प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के शुक्र तीर्थ में स्थित गोड़िया मठ एक बार फिर सुर्खियों में है। आश्रम में रहने वाले मासूम बच्चों के साथ यौन शोषण के आरोप में जेल गए आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण जेल ने जमानत मिलने के बाद भाजपा नेता और कई लोगों पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। गोड़िया मठ के संचालक ने आश्रम पर असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी और गोड़िया मठ पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। आश्रम के संचालक बाबा भक्ति भूषण ने आज एक पत्रकार वार्ता के दौरान जनपद के एक भाजपा नेता संजीव संगम और विकास पवार और एक अन्य पर आरोप लगाते हुए बताया, 10 जून 2020 में पहले एक साजिश के तहत मेरे ऊपर फर्जी आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। जी आज जो प्रेस वार्ता की गई है, जी किस संबंध में की गई है और किस तरह के जो भय आपको बना हुआ है, किन लोगों से भय बना हुआ है? पहले तो मुझे षड्यंत्र करके 2020 में जेल भेजा माननीय उच्च न्यायालय ने। जो लोग मुझे गिरफ्तार करवाए थे उन पर टिप्पणी करते हुए मुझे जमानत पर रिहा किया। मैं बाहर आया तो मेरा सब यहाँ से रुपया नकदी सब नतारत था, सब लूट लिया लोगों ने। तो जो यहाँ पीछे गोविंद दास रहता उससे पूछा, उसने बताया कि विकास तोड़ के ले गया, विकास पवार, जेल से आने के बाद। इसके बाद हम शांत हो गए भाई, शांत हो गए, हमने कोई बात नहीं की भाई, जो ले गया वो देने के नाम कर लेगा और एक मुकदमा लड़ेगा, हम तो शांति चाहते हैं। अब ये गोविंद जो है ये हमें थोड़ा सा कुछ गलत सलत नज़र आया, तो हमने एक दिन 10-20 आदमियों को बुला के इसकी तलाशी ली। तो जो हमारे दो लोकर थे उनके जो अवशेष थे माल के, वो इसके पास से बरामद हुए और इसने 1 लाख रुपया हमें कहीं रखा हुआ था वहाँ से ला के भी दिया। और इसने बताया दोबारा कि विकास पवार भी तोड़ के ले गया। हमने इसकी FIR भोपाल थाने में करा दी, इसकी वीडियो और इसकी ऑडियो भी हमने FIR के साथ माननीय प्रशासन को उपलब्ध कराई। इसके बाद ये विकास पवार हम पे दबाव बना रहे थे कि जो गोविंद के खिलाफ आपने रिपोर्ट किया उसको वापस दो, खुद भी दबाव बना रहे थे और औरों से भी कई सम्मानित लोगों से हम पे दबाव बनवा रहे थे कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाओ। कभी दबाव बनवा रहे थे कि हम आपके आश्रम में कट्टे रख के केस और बनवा देंगे। तो हमने कहा ये सब ठीक नहीं है। इसके बाद ये 24 तारीख को दो लोग, एक विकास पवार जो भाजपा का नेता है और एक संजीव संगम जो भाजपा का नेता है, ऐसे लोग भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं, वो आश्रम में आए। बच्चों ने गेट खोला।